नाइट ऑफ चैंपियंस में एजे स्टाइल्स को हराकर सेथ रॉलिंस ने रचा इतिहास। द विजनरी बना पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। दोस्तों, नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट की शुरुआत ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच से हुई। दूसरे मैचों से हटके शुरुआत से ही इस मैच ने रफ्तार पकड़ ली। एजे स्टाइल्स ने सेथ रॉलिंस को हराने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाया। फिनोमिनल वन ने काफ क्रशर के अलावा रॉलिंस को उन्हीं का रेसलिंग मूव पेडिग्री दिया, लेकिन द विजनरी ने हार नहीं मानी। वहीं स्टाइल्स हर बार रॉलिंस को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे। एक मोमेंट आया जब रॉलिंस को फोरआर्म मारकर एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म देने गए, लेकिन द विजनरी ने काउंटर करके उन्हें हवा में सुपर किक दे मारी। रॉलिंस कर्ब स्टॉम्प देने गए, लेकिन घुटने के दर्द की वजह से वो मूव परफॉर्म नहीं कर पाए। फिनोमिनल वन ने रॉलिंस की चोट का फायदा उठाकर उन्हें काफ क्रशर में फंसाना चाहा, लेकिन विजनरी ने एक बार फिर काउंटर करके फिनोमिनल वन को जानलेवा कर्ब स्टॉम्प दे मारा, जिसके बाद स्टाइल्स किक आउट नहीं कर पाए और रॉलिंस ने उन्हें पिन करके हरा दिया। इस तरह से सेथ रॉलिंस WWE मॉडर्न एरा के पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने, जिन्हें खुद ट्रिपल एच ने आकर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल दिया। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।